तो हम इस बात को पहले जाने कि डेटा की सॉर्टिंग करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कि क्या जरूरत है सॉर्टिंग करने की हमें। तो देखिए, डेटा की जो शॉर्टिंग करते हैं हम इसलिए करते हैं ताकि हम डेटा को सिक्वेंसली अरेंज कर सकें। अब सिक्वेंसली अरेंज कैसे की जरूरत क्या है, मान लीजिए कि आपने नोटिस बोर्ड में ही कोई लिस्ट चिपकाया हुआ है और उसको आपने अल्फाबेटिक के मदद से आपने अगर उसको शॉर्ट किया हुआ है, वो तो बेटर है, हर कोई अपना नाम इजिली देख सकता है, राइट। अब बात करते हैं इसमें कि मान लीजिए कि अगर हम ये करें कि इसी तरह से मैंने कोई अरेंज कोई सीक्वेंस ना हो, बिना सीक्वेंस के डाल दे तो लोगों को ढूंढने में दिक्कत हो। तो हम यही करना चाहते हैं कि हम सिक्वेंसली इसको अरेंज करना चाहते हैं ताकि सिक्वेंसली हो, ठीक है सर। उसके लिए शॉर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि शॉर्टिंग करने के लिए क्या हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। तो डेटा में अगर मान लीजिए कोई ब्लैंक डेटा है, जैसे कि हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, अगर इंसर्ट हमने किया और अगर कोई यहाँ पे ब्लैंक है तो अब मुझे डेटा शॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर डेटा शॉर्ट नहीं करेंगे तो फिर एक कंट्रोल ए मतलब कि इतना एरिया पे रह जाएगा, बाकी एरिया पे नहीं कर पाएगा। तो डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके आपके पास ब्लैंक डेटा काफी ज्यादा होता है। तो हाँ, बात करते हैं कि मुझे शॉर्ट अगर किसी एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है, जैसे मुझे डरमाले शॉर्ट करना है वो सिटी के अकॉर्डिंग करना है, ओनली वो सिटी के अकॉर्डिंग करना है, तो हमें डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि सिंपल यहां से इसमें शॉर्ट में जाएंगे और यहीं पे शॉर्ट ए टू जेड, तो मेरा ये मतलब कि असेंडिंग में हो जाएगा और इसी में हम इसको शॉर्ट जेड टू ए करें तो ये डिसेंडिंग में हो जाएगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका है। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे सॉर्टिंग, लेकिन अगर आपको दो कंडीशन करने, मुझे डिपार्टमेंट और सिटी दोनों के, पहले डिपार्टमेंट करना है फिर डिपार्टमेंट के अंदर में सब फिर सॉर्टिंग में हमें उस सिटी को रखना है। तो आप अगर आपको दो मतलब कि दो कंडीशंस के भी आप पे शॉर्ट करना है तो फिर हमें यूज करना होगा कस्टम शॉर्ट। फिर हमें किसी कर्सर रखे या डेटा सेलेक्ट कर लें और शॉर्टिंग में जाए कस्टम शॉर्ट के ऊपर, और यहाँ पे पहला हमने बोला कि मेरा डिपार्टमेंट हो ए टू जेड और हमने इसको एड लेवल किया, और मैंने बोला यहाँ पे सिटी हो फिर ए टू जेड, हमने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया, तो मेरा डिपार्टमेंट और सिटी शॉर्ट हो गया। तो जनरली तो ये चीज हम करते ही हैं शॉर्टिंग, इसमें आपको मोस्टली चाहिए तो मेरे हिसाब से आता ही। अब मैं चाहता हूं इसमें कि भाई इसमें कुछ खास ट्रिक्स क्या है, तो चलिए यही चीज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें ट्रिक्स क्या है। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे शॉर्ट करना है मंथ वाइज,
तो अगर मैंने मंथ वाइज शॉर्ट किया तो क्या होगा कि अप्रैल आपका सबसे पहले आएगा, आपकी कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं होगा। आप चाहते हैं कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए फिर हमें यहां पे कस्टम शॉर्ट पे जाना पड़ेगा। और ये आपका ऑर्डर में आप ए टू जेड, जेड टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आप सेलेक्ट करते हैं, इसके जगह पे हमें कस्टम लिस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहां पे हम यहीं पे जैन फाइव मार्च जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, और फिर इसको ओके कर दीजिए और देन ओके, आपका शॉर्ट जनफेब के अकॉर्डिंग हो गया। मैं चाहता हूँ मैं शॉर्ट कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हो, मैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं यहाँ पे कस्टम शॉर्ट करूंगा और यहाँ जो हमने जैन से दिसंबर लिया है इसी के कस्टम लिस्ट पे हम जाएंगे और यहीं पे हम देखिए मैंने बना रखा है न्यू लिस्ट पे जाके आपने खुद के लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पे बना रखा है, उसको सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर लिया। मतलब कि कस्टम में क्या होता है कि आप अपनी शॉर्ट का अपना खुद, जैसे कि मुझे अगर डिपार्टमेंट बाई शॉर्ट करना है और टॉपर डिपार्टमेंट को पहले रखना चाहते हैं तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें शॉर्ट फिल्टर के कस्टम शॉर्ट में जाना है। अब मैंने यहां से मान लीजिए कि हमने डिपार्टमेंट ले लिया और हम कस्टम्स लिस्ट में जाएंगे, और अगर आपका डिपार्टमेंट लिस्ट नहीं बना हुआ है तो आप न्यू लिस्ट पे क्लिक करके अपनी लिस्ट यहां तैयार कर लें। यहां पे जो ऊपर रखना चाहते हैं वही रखें, उसके बाद अगर मान लो कि आपके लिस्ट में 150 आइटम थे और आपने सिर्फ 10 आइटम का नाम लिखा है तो 10 आइटम का सीक्वेंस पहले आएगा और बाकी जो आपके 140 आइटम है वो नीचे अल्फाबेटिकली शॉर्ट होंगे। जो सिलेक्ट किया एंड ओके एंड पंकज जी मैंने आपको म्यूट कर दिया था क्योंकि आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा था, तो आपको कुछ पूछना होगा तो आप उसको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आपको सर? नहीं नहीं डाउट नहीं। और किसी को डाउट? बोलिए कुछ पूछना है सर। अगर इसको कॉलम वाइज स्टार्ट करना हो तो? हाँ बताता हूँ सर, बताता हूँ, वही बताता हूँ। तो ये होगी हमारी। अब बात करते हैं कि हमें शॉर्ट जो करना है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग, अभी तक हम शॉर्ट कर रहे थे किसे कर रहे थे, हम वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब मुझे शॉर्ट करना है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं करना है। तो हम जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं, हम शॉर्ट करना चाहते हैं कलर वाइज, कलर वाइज मतलब कि सेल की कलर वाइज। मैं चाहता हूं इसकी जो कलर है वो कलर पहले शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे कहां पे, या
कस्टम शॉर्ट के अंदर में। तो जैसे मुझे अगर सैलरी अकॉर्डिंग करनी है तो हमने सैलरी ले ली, और यहाँ वैल्यू में हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन चीजें सेल कर फॉर्म कर क्राइट। तो मुझे यहाँ पे सेल कलर चाहिए तो सेल कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जितने भी कलर का लिस्ट है वो लिस्ट आएगा। ठीक है सर, वो लिस्ट सेलेक्ट कीजिए और कलर को ऑन द टॉप करना चाहते हैं या ऑन द बॉटम करना चाहते हैं तो ऑन द टॉप कर सकते हैं या ऑन द बॉटम कर सकते हैं। ठीक है सर, यहां से अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं आप, एंड देन ओके कीजिए, आपका कलर ऑन द टॉप एंड ऑन द बॉटम हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि शॉर्ट करना चाहते हैं आइकन्स के ऊपर, जो यहाँ आइकन्स है वो आइकन्स के ऊपर करना चाहते हैं तो आप यही में यही पे आइए, आपका आता है कौन सा है ओवर टाइम, तो ओवर टाइम को सिलेक्ट कर दिया और जो हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग की वजह से जो आइकन दे रखा है वो सेल आइकन को सिलेक्ट किया और यहां से हमने डिसाइड किया कि शॉर्टिंग में कौन सा आइकन रखना है, जो आइकन रखना है सिलेक्ट किया वो ऑन द टॉप चाहिए या ऑन द बॉटम चाहिए। ठीक है सर, कोई डाउट सर? नहीं सर, डाउट नहीं, चलिए नो डाउट, और इसको ओके कर दीजिए, हो गया। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो अपने हिसाब से। और जैसे कि अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इसमें लेफ्ट राइट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले देखिए कि हम जब सॉर्ट करते हैं, मान लीजिए कि हमने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट किया, तो इसमें दिक्कत क्या होती है देखिए कि इसमें आपका जो ये होता है लेटर होता है कि कैपिटल लेटर है स्मॉल लेटर कुछ ऐसा लेटर होता है वो यहाँ पे दिक्कत करता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि केस सेंसिटिव हो, तो इसके लिए हम यहां पे कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं और जैसे मैं डिपार्टमेंट ले लिया और यहां ऊपर जो देख रहे हैं यहां पे यह ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट यहाँ सिलेक्ट करके, और माफ कीजिएगा हम गलत कर दिए, ओ सॉरी, हम यहाँ के सेंसिटिव सिलेक्ट करना है, ये टॉप टू बॉटम यहाँ दे दीजिए डिपार्टमेंट। तो इससे क्या होगा, जब शॉर्टिंग होगी तो जो स्मॉल लेटर है वो पहले आएगा और जो कैपिटल लेटर है वो बाद में आएगा, समझ गए सर? तो स्मॉल थोड़ा सा पीछे और कर दीजिए, वीडियो ब्रेक हो जा। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, सुन नहीं पाया। हेलो, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? सर थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, वीडियो ब्रेक हो गई। ओके सर, वीडियो ब्रेक हो गया था, देख नहीं पाया। ठीक है, मैं ये बोल रहा था आपको कि जो हम सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे यहाँ केस सेंसिटिव नहीं होता है शॉर्टिंग, ये देखना आप ना, जैसे कि आईटी आपने लिखा हुआ है तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर वो इसी तरह से आपकी इसमें
रहते हैं, ठीक है। तो मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि भाई कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर वो एक जैसा एक जगह पे आया, अलग अलग इस तरह से ना आया। ठीक है, तो उस समय हम सॉर्टिंग करेंगे यहां पे कस्टम सॉर्ट पे जाके, और यहां ऑप्शन में हम सॉर्ट टॉप टू बॉटम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कीजिए। और यहां आपका देखेंगे नीचे की आपका स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर अलग अलग है, मिक्सअप नहीं है। ठीक है, सुजीत जी एक चीज पूछना था, पूछिए। अगर इसमें जैसे आप वैल्यूज में सॉर्ट करेंगे, हायर टू लोअर हम करते हैं, और हमें साथ साथ डेट्स का भी सॉर्टिंग चाहिए कि कौन से आदमी ने पहले ज्वाइन किया था, तो वो पॉसिबल होगा क्या इसमें? क्योंकि वेरिएबल एक ही होगा ना इसमें, डेट आप वैल्यू पे सॉर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक आपका जो होता है, एक होता है मतलब कि सब हेडिंग बनते हैं ना, जैसे हमने देखा आपने, हमने क्या किसी किया था कि यहाँ पे हमने शॉर्टिंग की थी अकाउंटिंग के हिसाब से। अब जो हमने बोला कि अकाउंटिंग भी शॉर्टिंग हो और साथ में सिटी भी शॉर्टिंग हो, तो अकाउंटिंग के अंदर जो सिटी देख रहे ना आपको सर, ये आपने हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा। देखिए तो इस सब हेडिंग दो चीजें नहीं हो पाएंगे ना, दो चीजें होगी लेकिन एक के पहले की अकॉर्डिंग होगी। नहीं, हम चाह रहे थे जैसे सैलरी और हायर डेट भी अगर अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए कि जिसकी सैलरी ज्यादा है उसकी हायर डेट पहले की है या पीछे की है, वो पता चल जाए। देख लीजिए उसके लिए, ताकि वो वाला चीज इससे नहीं हो। करके देख लेते हैं एक बार, क्या हम आपकी प्रायोरिटी कौन सी, सैलरी है, आपने सैलरी को प्रायोरिटी किया और सैलरी के नीचे आपने हायर डेट कर दिया, हायर डेट और लेस टू न्यूएस्ट। एंड अब देखिए सैलरी आ गया, अब जैसे कि सैलरी के अकॉर्डिंग डेट भी है आपका, हाँ यही वाला मैं पूछ रहा हूँ, तो दो को कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक ठीक है सर। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि लेफ्ट टू राइट कैसे सॉल्व होगा।
जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो जैसे मंथ यहाँ पे डेटा बनाता है, मंथ आ गया जैन फेब मार्च इस तरह से हमने दे दिया, और नीचे हमने अपना सेल्स दे दिया। और हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। अब मुझे सॉर्ट जो करना है टॉप टू बॉटम नहीं करना है, मुझे सॉर्ट करना है वो लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है? हाँ जी सर। तो हमें लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना है, तो लेफ्ट टू राइट हम कैसे सॉर्ट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी यहाँ कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं, और कस्टम सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास एक ऊपर ऑप्शन होता है, और ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कहता है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। आप सॉर्ट लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करें एंड ओके, और फिर यहाँ से आप रो वन रो टू इस तरह से ले लीजिए एंड इसको ओके कर दीजिए, या वैल्यू के कारण। लेकिन ध्यान रखिएगा हमने एक गलती कर ली है, यहाँ देख रहे हैं आपने मंथ को भी सिलेक्ट कर लिया है, तो शॉर्टिंग में लास्ट में आ जाएगा, आ गया लास्ट में। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपकी जो हेडिंग्स है उसको आप सिलेक्ट ना करें तो बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि हेडिंग को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो बिना हेडिंग सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको यहाँ पे आए कस्टम शॉर्ट, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें रो, और यहाँ पे लेफ्ट राइट, समझ गए सर? ओके क्लियर है? तो ये हमारी आज की शॉर्टिंग थी। अब आप लोगों को एक रिसर्च दे रहा हूं, आप लोगों को एक चीज रिसर्च करनी है। इसमें क्या करना है कि मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूं कि हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो, ये हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो। तो मैनुअल अगर हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास लाखों का डेटा है तो दिक्कत हो जाएगी, समझे सर? तो हम यहाँ पे मैनुअल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लाखों का डेटा है और मैनुअल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो, ठीक है सर? तो आप इसके लिए कोई रिसर्च करें, जरूरी नहीं कि एक ही हर एक कॉल रो के बाद, हो सकता है कि हम तीन चार रो के बाद ही इंसर्ट करना चाहें, ठीक है? तो आप इसको एक बार कीजिए और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। कुछ छोटी मोटी डाउट्स के लिए मुझे आप फोन कर सकते हैं, मेरे डाउट हो तो नोट कर लीजिए। हेलो।